देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूरे देश की जनता का दुर्भाग्य है कि आज उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया जो हमारे बच्चों की शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा लेके गए, जिसको गवर्नमेंट स्कूलों को जीरो लेवल से वो 100% हाई पे लेके गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज उस बेटे को गिरफ्तार कर दिया गया जिसका कोई कसूर नहीं, जो शिक्षा देना जानता था, जो लोगों को बिजली पानी देना जानता था, जो लोगों के पैसे लोगों में बांटना जानता था, जो लोगों की बात करता था, जो आम आदमी की बात करता था, जो गरीब का दुख सहता था, जो बिजली जिसकी कटती थी उसके खंबे पे चढ़कर उसकी बिजली लगाता था, आज उस शख्स को अंदर कर दिया गया। तो आप सोचिए, जो बीजेपी ने अपना चेहरा सामने आज लाया है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, आज हमारे देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज जो है वो रही नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले कल में जनता इनको जवाब देगी। बीजेपी का जो चेहरा लोकतंत्र की जो हत्या की गई है, बीजेपी का जो चेहरा सामने आया है, आने वाले कल में 2024 की इलेक्शन में बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पूरे देश के जो आम आदमी है वो सब केजरीवाल है, और हम सबको आगे आना पड़ेगा, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आने वाली 2024 की इलेक्शन में इनको बताना पड़ेगा कि अगर ये लोग फिर आगे, तो आज एक केजरीवाल अंदर हुआ है, कल हजारों केजरीवाल अंदर होंगे, लेकिन हमें परवाह नहीं, हमें देश के लिए लड़ना पड़ेगा। जब जब तानाशाही इन सरकारों ने की, तब तक कोई ना कोई भगत सिंह, कोई ना कोई आगे आया है। कोई बात नहीं, आज केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया, लेकिन कितने केजरीवाल जो बाहर हैं वो भी सब आगे आएंगे और इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।